देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना विष्ट। चलिए आज की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटक चुका है। मरीज भटक रहे हैं। भर्ती मरीज भी ऑपरेशन से पहले निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में जांच को पहुंच रहे हैं। मरीजों से लेकर तीमारदारों में अफरा तफरी मची हुई है। संविदा पर कार्यरत और केवल आधे दिन काम करने वाले प्रोफेसर का 3 साल का टर्म भी पूरा हो चुका है। पिछले कई माह से इस तरह की गंभीर स्थिति पर पूरे तंत्र से मुंह फेर लिया है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आपको बता दें कि दुर्घटना में घायल से लेकर तमाम तरह की इमरजेंसी के मरीज एसटीएच ही पहुंचते हैं। मेडिको लीगल केस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे जांच की रिपोर्ट में डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए। 10 दिन से अधिक का समय बीत गया है, मगर कोई सुधलेवा नहीं है। जबकि अस्पताल में प्रतिदिन 30 से अधिक अल्ट्रासाउंड जांचें होती थी। आखिर कब तक जनता को भुगतना होगा इन परेशानियों से? आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। इस बारे में कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कई महीनों से जो है मतलब बंद पड़ी है ये मशीन, और इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है और मरीजों को दिक्कत परेशानी हो रही है। और बाहर ऑपरेशन लिख रहे हैं ये डॉक्टर लोग कि बाहर से कराइए, और बाहर महंगा होता है। इस वजह से जो है यहाँ सुविधा जो है इसकी नहीं हो पा रही है, और ना डॉक्टर कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए है यहाँ पर, और मरीजों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, और मतलब बाहर जो है महंगा होता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फहीम, सामाजिक कार्यकर्ता। सर मैं प्रथम गौड़ सतमुआ से। आपने यहाँ पे एक हमारी भांजी थी, धानाचुली वाली भांजी थी हमारी, जस्ट उसमें स्टोन या बोले तो पथरी का इलाज था, और उसमें अल्ट्रासाउंड की जो बात कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई। और उसके बाद जैसे हमने कागज लगाया, ये अपना जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत काटनी पड़ी। मतलब हर जगह पे ये मान के चलो पैसों का गेम चल रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो बात करी जाए अल्ट्रासाउंड मशीन की, अल्ट्रासाउंड मशीन तो है यहाँ पे, बट अल्ट्रासाउंड मैंने बाहर से फिर करवाया, फिर यहाँ पे बात ऐसी चल रही है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे मैंने फिर बाहर से बात करना पड़ा। अल्ट्रासाउंड में वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठा है, कमरा पूरा बंद है, फिर बाहर से कराने लाना पड़ रहा है, और दोनों बाहर से इस टाइप का हिसाब हो रहा है हमारा। अभी ये समस्या अभी कुछ दिनों से है, 10-15 दिन से। उससे पहले तो हमारे पास संविदा पर कार्यरत एक प्रोफेसर महोदय थे यहाँ पर, तो उनका अभी जो है कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसमें कि उनको कार्यकाल को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और ये सारी चीज़ें शासन स्तर पर लंबित हैं, और प्रधानाचार्य महोदय ने भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। बाकी और हमारे सीटी एमआरआई और एक्सरे तो वो सब विधिवत जो है जैसे थे वो जारी है, केवल एक परेशानी जो आ रही है वो अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो उसमें भी जो है हमारा प्रशासन प्रयासरत है, जैसे ही वो हो जाएगा तो लोगों को सुविधा फिर मिलने लगेगी।